पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर यह अमृत लोक में आते हैं, काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान का नाश करने के लिए वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं, लिपिबद्ध करवाते हैं। काल के दूत ये झूठे नकली गुरु संत मंडलेश्वर महंत ये काल प्रेरणा से अज्ञान का प्रचार कर रहे होते हैं और परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को निज स्थान सतलोक जहां से हम आए हैं, जहां हम सदा सुखी रह सकते हैं, उस स्थान का ज्ञान कराने के लिए और वहां जाने की विधि बताने के लिए, काल के जाल से निकलने का तरीका बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। जिस समय परमेश्वर आते हैं उस समय अज्ञान के आधार से प्राणी इतना अंधा हो चुका होता है, ज्ञानहीन हो चुका होता है, वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोवे, कह कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। मैं रोवत हूं सृष्टि को, मैं तो अपने बच्चों को रो रहा हूं, तड़फ रहा हूं कि ये गलत जगह फंस गए अपनी गलती से, अब ये वापस आ जाए, मेरे पास आ जाए, मुझे पहचान ले। और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरी तलाश खोज कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी चाहता है मैं साधना करूं। उद्देश्य क्या होता है कि मुझे सुख मिले, आने वाले आपदाएं मेरे ऊपर ना आए, संस्कार में जो कर्म प्रारब्ध के अंदर पाप लिखे हैं उनका दुख मुझे ना हो, मुझे सुख मिले, सारी सुविधाएं प्राप्त हों। लेकिन ये सर्व सुख सभी सुविधाएं और आपत्तियों का विनाश केवल एक ही परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उन्होंने विधि बताई है कि ऐसे आप साधना कीजिए जिससे आपके यहां सभी संकट निवारण होंगे और फिर इसी विधि से आप अपने उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से आप आए हो और जिस सुख की खोज आप इस काल के लोक में कर रहे हो वो आपको वहां मिलेगी, यहां वो सुख नहीं है। परमेश्वर कबीर जी आए थे और इन अज्ञानी अनाड़ी संतों के ज्ञान को रिजेक्ट किया करते थे, इनके ज्ञान को कहते थे ये ज्ञान ठीक नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं तुम्हारे को, जिससे आप जी का जीवन व्यर्थ हो रहा है। परमात्मा सच्चाई कहा करते थे, उस सत्य के सामने उनका अज्ञान टिक नहीं सकता था, जिस कारण से वो अज्ञानी अनाड़ी संत अपने अनुयायियों को गुमराह किया करते थे, भ्रमित करते थे और परमेश्वर कबीर जी के विषय में अनाप शनाप बकवास किया करते थे, जिस कारण से बहुत से व्यक्ति परमात्मा कबीर जी के विरोधी हो गए थे और
परमात्मा के प्रचार में बाधा किया करते थे, लेकिन वो परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म थे, उन्होंने परमात्मा परमेश्वर कबीर जी हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाया करते थे, कहा करते थे हिंदू हदीरे पूजे ही ये मुस्लिम पूजे घोरे, दोनों दीन की अकल को ले गए हैं चोरे। हिंदू तो ये जैसे कोई व्यक्ति संत महात्मा मर जाता है उसकी यादगार बना लेते हैं, उसके ऊपर कोई यादगार बना देते हैं, उस संत की वहां पूजा शुरू कर देते हैं, और मुसलमान कब्र पूजते हैं। ये साधनाएं दोनों ही धर्मों की व्यर्थ है। हिंदू हदीरे पूजे ही ये मुस्लिम पूजे घोरे, दोनों दीन की दया अकल को ले गए हैं चोर। के दोनों की अकल को हरी जा चुकी है, यथार्थ ज्ञान नहीं है दोनों धर्मों के मार्गदर्शकों को। ये साधनाएं जो आप जी करने लग गए हो ये किसी शास्त्र में नहीं है। परमात्मा फिर अपना यथार्थ ज्ञान भी बताया करते थे और इन सभी को उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक बताते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उसके पश्चात गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा को परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनी अमृतवाणी के द्वारा बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णित किया है, उसको पढ़कर सुनाते हैं आपको। परमात्मा की महिमा भी साथ साथ आपको सुनाएंगे। कस्तूरी नाम कबीर है बिन छेड़े मकंते, आद अंत की कहते हूं पटतर कोई न संत, चितानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, जिन आकार अजोक पदु त्रिकुटी में दिखंत, ग्रीब नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीर, ग्रीब नैनो बीच कमल है उज्जवल हिरंबर धाम, शेष शेष पुनरटत है जिन्होंने पाया वे राम, ग्रीब शेष 88 ना गए 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक, ग्रीब शेष 88.5 में 2500 को पूछ, ये तो अस्थिर है नहीं के बे मुकाम के बे कूच, ग्रीब दसमा तो अवतार है हिमालय का नीर, बोतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर, ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप, शब्द संदेशा कहते हूं बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो नौ दसमा अवतार, ग्रीव कृष्ण कन्हैया राम है बलि बावन अवतार, हरणाकुश नरसिंह है ये माया विस्तार, ग्रीब वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीर,
ये करता हो अवतर है माया के रघुवीर। गरीब धरता को करता कहें बड़ा अंदेशा मोही, पारस पद भेंट्या नहीं जिसको कहिए लो। गरीब लोक अलोक द्वीप सब पूर्ण पद प्रकाश, धोधरनी सब जावेंगे थिर रैसी आकाश। आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुबाने है तिथि बारन बार माश। अब गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा सुनाई है कि कस्तूरी नाम कबीर है और बिन छेड़े मैं कंते, यानी परमात्मा कबीर जी की में वो शक्ति है, उसकी शरण में आने के बाद इस प्राणी को स्वतः ही उसके सुख प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कस्तूरी के अंदर से अपने आप महक निकलती रहती है, इस प्रकार परमात्मा की शक्ति का आभास आप जी को रह रहकर होता रहेगा जब आप इसकी शरण में आ जाओगे। अब एक और खास बात कही है परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, शेष 88 ना गए 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। शेष 88 पांच में 2500 में पूछ, ये तो अस्थिर है नहीं के बे मुकाम के बकूच। दसवां तो अवतार है हिमालय का नीर, भौतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। इसमें क्या बताया है कि 88,000 ऋषि और ये 24 अवतार आप जी मानते हो, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार 24 अवतार माने जाते हैं, जो आ चुके हैं, जो अपनी लीला कर चुके हैं, और 25वां निकलंक नाम से कलयुग के अंत में आवेगा। निकलंक नाम से और सिंभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पर उसका जन्म होगा और फिर वो अपनी लीला करेगा। तो क्या बताते हैं कि ये सभी अवतारगण वहां से परमात्मा रूप धारण करके आते हैं, परमात्मा की कुछ शक्ति लेकर आते हैं, उनको कुछ पावर दे देता है ये काल, और उनका निर्धारित कार्य होता है उसी को वो करते हैं। जैसे विष्णु जी आए थे श्री राम रूप धार के, रावण का वध किया, ऐसे ही श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी आए तो जो उनके निर्धारित कार्य थे कंस वध आदि जो भी उनकी लीलाएं आप पढ़ते हो उन्होंने वो किए। लेकिन अंत में वो अपने कर्मों को बिगाड़ जाते हैं, यहां उन्होंने जितने पाप किए हैं उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, और जब तक इनके पुण्य चलते हैं तभी तक ये विष्णु पद पर रहेंगे, फिर इनकी मृत्यु होगी, उसके बाद ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये विधान है इस काल भगवान का। और जो हम सत्साधना करेंगे, कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे, फिर हम इस लोक में दोबारा नहीं आएंगे, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। 88,000 ऋषि भी जन्मते मरते हैं, ये भी पशु पक्षी योनियों में 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। इनको भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। फिर कहते हैं
शब्द संदेश ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप। कबीर परमेश्वर जी के विषय में गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि ना तो कबीर परमेश्वर किसी माँ से जन्म लेते हैं और उनका कोई माता पिता नहीं है और उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, वो इस ब्रह्मांड के सभी ब्रह्मांडों के पार शतलोक में रहते हैं जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, जहाँ प्रभु रहते हैं। कृष्ण कन्हैया राम हैं बलि बावन अवतार, हिरण्याकश नरसिंह है सब माया विस्तार। ये कृष्ण कन्हैया राम बलि बावना बामन, ये बावना बनकर आए थे भगवान, और बलि जिसने 100 अश्वमेध करनी ठानी थी और बावना रूप धारण करके भगवान आए थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के आप जी सतलोक से चलकर आगे यहाँ आकर के आपने इतने कर्म बिगाड़ दिए, इतने पाप इकट्ठे कर दिए, आप इतनी गिरावट में आ गए, आप हंस से और जीव संज्ञा में आ गए। क्या बताते हैं, लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया, जब बिसरा जा तो रुगो तो, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप, गरीब दस्त भया, तांबा भया, यो मन हो गया रंग, शब्द मैल जाना नहीं, नायक धारा सांग, पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लो, लोहे से माटी भया, जब व्याप्या दिल धरो, कौडी से कौडी गिटी शंख ले, दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर गुरु जी गुरु नजर निहाल, चौदह में पुर की कहूँ, पंद्रह में पुर मेल, सोलह में पुर सिंधु है मान सरोवर खेल। अब क्या बताते हैं कि आप जी जब सतलोक से आए उस समय लाल थे, हंस थे, अच्छी वृत्ति थी, किसी को दुख नहीं देते थे, प्यार से रहते थे। आप जी को काल ने पहले स्वर्ग में रखा, महास्वर्ग में रखा, फिर महास्वर्ग से आपको नीचे स्वर्ग में ले आया आपके, क्योंकि पुण्य अक्षीण होते रहे, और फिर आप जी को नीचे पृथ्वी पर पटक दिया, यहां आपको सजा रूप में छोड़ दिया, यहां कोई सुविधा नहीं, वर्षा आवे वर्षा आ जाएगी, ओले गिरे ऊपर से ओले सिर फोड़ देंगे, आंधी तूफान आवे आ जाएगी। आप जी ने स्वयं ही यहां कुछ सुविधाएं बना ली, जैसे किसी ने झोंपड़ी डाल ली, कोई गुफा खोज ली, फिर मकान बनाने लग गए, तन पर कपड़े नहीं थे, अब जुगाड़ जुगुड़ जोड़ के श्री ढकने का की व्यवस्था बना ली। अब भी यहाँ भूकंप आ जाता है, फ्लड आ जाती है, तो गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गंदे लोक में, ऐसे गंदे स्थान पर हम यहाँ रह रहे हैं और हम यही रहना चाहते हैं, हम ना मरना चाहते हैं, और कितना दुख आ जाओ हम मृत्यु नहीं चाहते। कहने का भाव ये है कि हम उस वास्तविक स्थान को भूल के काल के जाल में फंस के अपने जो पुण्य थे उनको बर्बाद कर चुके हैं और हम यहां भटक रहे हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रूपे से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप, दस्त जस्त भया, यानी ये जो है सिल्वर होता है ना, उसे दस्त भया, फिर तांबा भया, और तांबे से भया रांग, यानी इतनी गिरावट में आ गया, इतनी कमजोर संस्कार हो गए आपके।
अपने शब्द मैल जाना नहीं ना हक धारो सांग। ये ऊपर हमने स्वांग बना रखा हमारे, कोई कुत्ता बन गया। जैसे आपने देखे होंगे स्वांग करते सांगी करा करते स्वांग, लड़के का रूप धारण कर लेते, लड़का ही लड़की बनकर खड़ा हो जाता, स्वांग बना लेता। और स्वांग में व्यक्ति राजा का रूप वेशभूषा बनाकर, राजा जैसे वेशभूषा पहनकर राजा का रोल करता है। कहते तुम यहाँ फिर एक सांग बन गया, सांग निकल गया तुम्हारा, कोई कुत्ते का सांग कर रहा है, कोई गधे का सांग कर रहा है, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया। ऐसी दुर्गति होगी आपकी। उसके लिए क्या बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो, उस पूर्ण ब्रह्म की साधना करो। घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बढ़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए फेर सके तो फेर। गृभजीत से ती दम ऊचरे वही ठोर तू खोज, हंस लोक को चालिए बनमत भर में रोज। बांका पड़दा मैल का कोई न जाने बेव, बिन सतगुरु क्यों पाइए वो अटक रहा सुख देव। अपने आत्माओं, आप जी सतयुग से आज तक का हिसाब लगाइए, आप जी का जन्म सतयुग में भी हुआ है और सतयुग के अंदर आपकी आयु 100,000 वर्ष थी और उसमें बहुत यहाँ पर सुविधा सुख था। सबसे पहला तो ये था कि अकाल नहीं गिरा था, दूसरा ये था कि शरीर स्वस्थ रहता था, घने बाग बगीचे जंगल फलदार वृक्ष सुगंधित फूलदार पेड़ पौधे बहुत ही अपने आप ऑटोमेटिकली परमात्मा की कृपा से सतयुग में ऐसी व्यवस्था होती है। शुद्ध प्रदूषण नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी लंबी बहुत ही लंबा, क्योंकि प्रदूषण के प्रभाव से वायुमंडल में हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और खान पान कमजोर हो गया, इसलिए हमारा शरीर का साइज कम होता जा रहा है। और पहले प्रदूषण था नहीं, वायुमंडल का इतना दबाव नहीं था, शुद्ध हवा थी, बहुत ज़्यादा वन थे, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, तो अच्छा आहार था, मजबूत शरीर था, लंबे लंबे शोक सैकड़ों फुट ऊंचाई मनुष्य की होती थी मानव शरीर की, और लाखों वर्ष जीवन होता था। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी क्योंकि पुत्र बड़े वफादार और आज्ञा के पालन करने वाले होते थे, और पुत्र की मृत्यु ऐसे प्यारे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पिताजी जो है बहुत दुख पाता था। तो उसमें पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी क्योंकि ऐसे शुभ संस्कारी प्राणियों का जन्म सतयुग में होता है, और पत्नी जो है कभी विधवा नहीं होती थी, स्त्री विधवा नहीं होती थी। और फिर क्या हुआ कि हमने भक्ति ठीक करी को ना, जैसे आप जी हो, आप जी अब धीरे धीरे परमात्मा की कृपा हो रही है, लाखों कई लाखों की संख्या में आप हो गए हो और आप जी साधना कर रहे हो। पहले परमात्मा कबीर जी आए थे, 64,00,000 शिष्य हुए थे कबीर परमेश्वर जी के, और उन 64,00,000 को परमात्मा ने सत भक्ति करवाई थी, लेकिन हम परमेश्वर को पहचान नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम सदग्रंथों से परिचित उस समय थे नहीं, जिस कारण से हम अपने भगवान को ना पहचान कर उनसे दूर हो गए। कबीर परमेश्वर जी आए तो उस समय वो ज्ञान सुनाया करते थे, ज्ञान सुनने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हो जाते थे, परमेश्वर कबीर जी कहीं भी खड़े हो जाते थे, अपने आप आवाज लगानी शुरू कर देते थे।
परमेश्वर की सुरीली आवाज सुनकर और इस वाणी के अंदर परमात्मा की जो अमृत वाणी है, ये अमर ज्ञान है, मूल ज्ञान है, इसमें बड़ी कसक है, ये आत्मा को झंझोड़ देती है। परमात्मा के शब्द दोहे आप पढ़ कर देखो, अपने आप कसक बनती है, खिंचाव बनता है। तो ऐसे परमेश्वर खड़े होकर के कबीर जी कहीं पर भी अपने आप बोलने लग जाते थे, उच्चारण करने लग जाते थे इन वाणी को, ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा के। तो ऊंची आवाज से कोई बोलता है तो प्रत्येक व्यक्ति, आने जाने वाला भी कोई हो, उसकी उसका भी अट्रैक्शन होता है कि कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, सुने इसके पास चल के। तो ऐसे कई सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाया करते थे और परमात्मा दो दो तीन तीन दो दो घंटे सत्संग खड़े खड़े बोलते रहते थे। ऊंची आवाज उसकी, परमात्मा की लीला कितने भक्त क्यों ना होते उसी को स्पष्ट सुनाई देता था। कुछ लोग तो उनकी कृपा से जो वहां एकत्रित होते थे परमात्मा, विशेषकर वहां जाते थे जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हों, धार्मिक मेले लगते हों तीर्थों पर, मंदिरों के आसपास, तो वहां लोग दुखी जाते थे, मन्नत मानने जाते थे, और किसी कोई दस दस चक्कर लगा लेता था तो भी राहत नहीं मिलती थी, और परमात्मा के दर्शन मात्र से ही बहुत से स्वस्थ हो जाते थे। इस प्रकार मालिक की शरण में लोग आने लगे, एक ही अटेम्प्ट में, एक ही बार में 10-20 व्यक्ति सुखी हुए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया, औरों को बताया, परमात्मा के चरणों में आने लगे। और इस प्रकार लाखों की संख्या में कबीर परमेश्वर जी के अनुयायी बन गए। वो ज्ञान से कम, समाधान से ज्यादा उनके निकट आए थे, क्योंकि दुखी प्राणी सतयुग के अंदर ये प्राणी बहुत दुखी नहीं था, और अब कलयुग में अपने पुण्यों को क्षीण करके अब ये गलत साधना करता रहा, उससे कोई लाभ इसको मिला नहीं। अब ये कलयुग में आकर के बिल्कुल पुण्यहीन हो गया, और पुण्यहीन होने से आपदाएं, आपत्तियां, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी अत्यधिक बढ़ गई है। और जो साधनाएं आप जी करते थे उनसे कोई लाभ मिल नहीं रहा, उनसे लाभ नहीं मिलता, फिर कहाँ चलते हैं कि किसी झाड़े लवाने पौड़े पर चलते हैं, जंतर मंतर करवाने के लिए चलते हैं। जो पूजाएं तुम किया करते थे वो किस लिए करते थे, घर में सुख रहे, शरीर में सुख रहे, हम पर कोई आपत्ति ना आवे। और जब उनके करते करते आपत्ति बढ़ गई तो फिर कहाँ चले, कहीं किसी स्याने के पास झाड़ा लुवाने, किधर भूत कटवाने, या फिर किसी मंदिर में पहुंच गए, वहां कहते वहां सुख होता है। फिर तुम जो साधना करते थे वो किस लिए कर रहे थे, वो गलत थी। जब तक आप पर आपत्ति नहीं आई थी आप ये सोच रहे थे कि जो साधना हम कर रहे हैं सही है, और जब आई आपदा, आपत्ति आई तो उसने कोई राहत नहीं दी, फिर आप दौड़ने लगे, इधर उधर भागे। तो परमेश्वर कहते हैं अपनी वाणी में, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। यानी परमात्मा के लिए पर्वत पर्वत पर को जहां भी किसी ने बताया, जंगल में, झाखाड़ों में, गुफाओं में, मंदिरों में, परमात्मा की खोज में गए, वहां कोई राहत मिली नहीं, तो संत मिले जो परमात्मा जैसे संत मिल गए, और उन्होंने फिर सब सुख दिए, सब काम हमारे ठीक हुए, हमारे कार्य सिद्ध हुए। एक बार सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को एक भयंकर रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया। उसने जंतर मंतर करवा लिए, अपने मुसलमान मौलवियों से
काजी और मुल्लाओं से, गुरु पीरों से, फक्कड़ फकीरों से, आसपास का कोई उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर उसने इलाज भी खूब करवाया वैद्यों से, वैद्य को मुंह मांगा इनाम बोल दिया कि तू मुझे स्वस्थ कर दे, तू जो मांगेगा मैं तुझे इतना धन दे दूंगा, पैसे की कोई कंडीशन नहीं। अब सिकंदर लोदी को जलन का रोग था। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी के हाथ जल जाए अग्नि में, या गर्म चाय गिर जावे, दूध गिर जाए उबलता हुआ, उसके बाद जो पीड़ा होती है उसको जलन, ऐसी पीड़ा वाले रोग को जलन रोग बोलते हैं। और वो जलन रोग ऐसा होता है ऊपर से कहीं जला हुआ नजर नहीं आता, लेकिन पूरे शरीर में ऐसी रह रह कर जलन, उसमें जलन होती रहती है, इतनी पीड़ा उसको होती है। इस कष्ट से सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह सम्राट ग्रस्त थे। सभी वेदों को दिखाया, वेदों ने यहां तक कह दिया कि राजन जो औषधि हम आपको दे रहे हैं ये जलती आग को भी बुझा सकती है। उन्होंने ऐसा करके दिखाया, बहुत तेज आग जलवा दी और थोड़ी सी दवाई के छींटे एक कोने पर मारे, उसी की दवाई औषधि के ही जलने से उसमें से ऐसा वो निकला धुआं सा, और उसने सारी अग्नि को बंद कर दिया, बिल्कुल शांत कर दी। और कहते हैं राजन आपके ऊपर ये असर नहीं कर रही है। तो वहां पर धार्मिक लोग भी बैठे थे, हिंदू पहुंचे हुए संत भी बुला रखे थे, मुसलमान पीर वहां विद्यमान थे ही, तो सभी ने ये कहा कि राजन आपके ऊपर ना कोई जंतर मंतर, ना कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान से राहत मिल रहा है, कोई असर नहीं कर रहा है, और न ही कोई औषधि काम कर रही है, ये आपका प्रारब्ध के कर्म का भोग है। आपके प्रारब्ध में लिखा है इसको कोई नहीं मिटा सकता, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अपुण्य आत्माओं, दिल्ली का सम्राट, भारतवर्ष का राजा, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, हर तरह से सुविधाएं प्राप्त थी, जिसको चाहे वैद्य को, जिसने भी जहां भी कहा उसी वैद्य को आदर के साथ वहां से बैठा कर लाए, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सब निष्फल रहा। अब राजा भुगत रहा है अपने किए कर्म का, क्योंकि सिकंदर लोदी एक करूर राजा था। वो बहुत तंग किया करता था हिंदू वर्ग को मुसलमान पीरों के कहने से, और मुसलमान बनाया करता था हिंदुओं को बाय फोर्स। अब वो बहुत परेशान था उस समय। किसी ने कहा एक दिन कि आप जी के कष्ट का निवारण काशी में हो सकता है, वहां एक बड़े पहुंचे हुए महात्मा रहते हैं, कबीर नाम है उनका। राजा ने कहा भी हमने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, भारतवर्ष का कोई भी संत साधु मैंने नहीं छोड़ा, ना कोई औषधि की कमी छोड़ी, अब मुझे लगता नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि वहां ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को ऐसे तकलीफ थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनको सैकड़ों उदाहरण दिए कबीर परमात्मा की महिमा के। सिकंदर लोदी को कुछ विश्वास हुआ और काशी नरेश, काशी शहर का जो राजा था, वो परमेश्वर कबीर जी की महिमा से परिचित होकर, वो पहले ही उनका सागिर्द हो चुका था, उनका शिष्य बन गया था। सिकंदर लोदी ने वहां काशी चलने की तैयारी की, कई अंगरक्षक, सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक साथ थे, हाथी पर सवार हुए
हाथी के ऊपर एक अच्छा बढ़िया सा कैबिन बना हुआ होता था राजा के लिए, उसको अंबारी बोलते थे, अंबारी। उसमें हाथी चलता है तो उस हाथी के चलने में कोई कष्ट नहीं होता, जैसे आजकल ये बढ़िया कार होती है ना, जिसमें बिल्कुल भी झटके ना लगे। ऐसा हाथी की इतनी प्यारी सवारी होती है, राजा उस पर बैठकर चलते थे, भले ही सफर समय लंबा लग जाता था। सिकंदर लोधी ने राजा दिल्ली के नरेश ना काशी के नरेश के पास संदेशा भिजवा दिया कि हम इस दिन बनारस पहुंच रहे हैं। अब काशी नरेश ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी रेस्ट हाउस के अंदर राजा को रोकने के लिए। राजा वहां पहुंचा, उनसे कुशल मंगल हुई और पूरी मेज के ऊपर काजू किशमिश सेब संतरे पकौड़े लड्डू जलेबी हलवा पूरी कचौरी सारे मेज भर रखी। और नरेश ने, वीर सिंह देव बघेल नाम था काशी के नरेश का, वीर देव सिंह बघेल, उसको वीर सिंह बघेला कहा करते हैं, कहते हैं अपने संत भाषा में। तो वीर सिंह बघेल ने अर्ज की दिल्ली के बादशाह से, क्योंकि दिल्ली के सम्राट के अंतर्गत सभी छोटे छोटे राजा उनके अधीन हुआ करते थे। नरेश काशी के नरेश वीर सिंह बघेल ने कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी जी, हे महाराज, जलपान कीजिए। अब सिकंदर लोधी मेज पर कुर्सी पर आकर बैठ गया और कहा कि वीर सिंह, मैं तेरे द्वारा किए गए इस आदर सत्कार से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मेरे को बहुत भयंकर पीड़ा है और मैं यहां अपने ट्रीटमेंट के लिए आया, उपचार के लिए आया। अब काशी नरेश ने यानी वीर सिंह बघेल ने कहा कि आदेश करो महाराज। सिकंदर लोधी ने कहा कि यहां कोई कबीर नाम का कोई संत है और मैंने उनकी बहुत महिमा सुनी है। वीर सिंह, मैंने इस भारतवर्ष के कोई भी वैद्य को नहीं छोड़ा है, सबसे ट्रीटमेंट उपचार करवा लिया, मुझे कोई राहत नहीं मिली, और जंतर मंतर भी संतों से बहुत करा लिए। सभी ने ये कह दिया कि तेरे प्रारब्ध का कष्ट है, तेरे शरीर के साथ ही अंत होगा। लेकिन एक भक्त ने बहुत से उदाहरण दिए, यहाँ के कबीर नाम का कोई संत है और उसने कई हजारों की संख्या में लोगों को बहुत भयंकर पीड़ाओं से, रोगों से मुक्त कराया है, क्या आप जानते हो उसको? इतना कहते ही वीर देव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, आप ठीक ठिकाने आ गए, आप सही स्थान पर आ गए हो, अब आपका कष्ट नहीं रहेगा। अब वीर सिंह के मुंह से ये बात सुनकर सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, तेरे मुंह की बात सफल हो, रब करे, अल्लाह करे तेरे मुंह की बात सफल हो और इस महापुरुष से मेरा जो है ना दुख निवारण हो, भी जल्दी कर उनको बुला ले, यहां पर जल्दी बुला कर लाओ उनको, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। अब वीर देव सिंह बघेल परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो चुके थे, उनको मालूम था, उधर से दिल्ली के सम्राट के सामने वो बोल नहीं सकते थे, फिर भी हिम्मत सी करके कहा कि राजन, हे महाराज, जो आपका हुक्म वही सिरोधार्य होगा, लेकिन हमने ज्ञान सुना है, सत्संग सुना है परमात्मा का, कहते हैं संत को बाय ऑर्डर बुलाना नहीं चाहिए, और यदि हम उनको बाय फोर्स ले भी आएंगे आदेश से और वो अपनी रजा नहीं बख्शेंगे तो भी उनका आना व्यर्थ होगा, साधु संत के द्वार पर स्वयं ही जाने से लाभ होता है, और जैसे आपका आदेश
अब सिकंदर लोदी समझ गया ऐसा भी ठीक नहीं, बुलाएं भी लाएंगे तो फिर वो आशीर्वाद नहीं देंगे मेरे को, तो फिर भी बात बिगड़ेगी। कहने का वीर सिंह हम चले गए। जब हम 800 किलोमीटर आगे हैं दिल्ली से, उनके आश्रम में भी चलेंगे। वीर सिंह बघेल को पता था, वीर सिंह जी को पता था कि परमात्मा कबीर जी अपने मुंह बोले गुरु जी, यानी वास्तव में गुरु जी तो नहीं थे, लेकिन एक परंपरा बनाए रखने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने महर्षि रामानंद जी पंडित जी को गुरु बना रखा था। और उनका आश्रम था रामानंद जी का। कबीर जी अपने माता पिता के झोंपड़ी में, कुटिया में अपने घर पे रहते थे, वहाँ जुलाहे का कार्य करते थे। लेकिन प्रतिदिन शाम के समय, सारा दिन के कार्य को करके अपना शाम को रेस्ट होता था, आरती के समय वहाँ जाते थे, शाम की आरती अपने स्वामी जी के पास ही किया करते थे, गुरु जी के पास। वीर सिंह बघेला भी कई बार जाता था। उनको समय का पता था कि शाम के समय कबीर जी रामानंद जी के आश्रम में अवश्य आते हैं। तो समय भी निकट हो आ गया था। सिकंदर लोदी से कहा वीर सिंह बघेल ने कि महाराज, इस ये समय परमेश्वर कबीर जी का अपने गुरु जी के आश्रम में आने का है और वहीं दर्शन कर लेते हैं। वीर सिंह के साथ सिकंदर लोदी चल पड़े। सिकंदर लोदी के साथ उनका एक धार्मिक गुरु शेख तकी भी काशी पहुंचा था, लेकिन वो शेख तकी रेस्ट हाउस में ही रह गया था, सिकंदर लोदी के साथ नहीं गया था, ये सोच करके मैं इन काफिरों के मंदिर और आश्रमों में नहीं जाता, क्योंकि मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर बताया करते और हिंदू मुसलमानों को बुरा बताते थे। ऐसे एक दूसरे में एक बहुत बड़ी दरार थी इनके बीच में। तो शेख तकी तो इस डर के मारे वहाँ नहीं गया कि मुसलमानों को पता चलेगा कि तू हिंदुओं के आश्रम में गया तो तेरी मान हानि हो जाएगी। अब सिकंदर लोदी का दुख था, उसका पीड़ा थी, वो चला गया। अब गेट के ऊपर, मेन गेट पे सेवादार खड़े थे। अब वहां के नियमों का पता था वीर सिंह बघेल ने। उसने सेवादारों से पूछा, जो पौलिया थे, पहरे गेट कीपर थे, उनसे पूछा कि साहेब, कबीर परमेश्वर जी आ गए हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि आने वाले हैं, आए नहीं हैं। वीर सिंह बघेल ने फिर कहा कि आप स्वामी रामानंद जी से पूछिएगा, आज्ञा लेके आइएगा कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी सम्राट आए हैं और आप जी के भी दर्शन करना चाहते हैं और कबीर जी से कुछ अपना रोग निवारण करने के लिए फरियाद करना चाहते हैं। जब तक कबीर परमेश्वर जी आवे, वो आप आश्रम में विश्राम करना चाहते। अब सेवादार कहने लगे, आप यहीं रुकिएगा, मैं आता हूं। सेवादार गया, उसने स्वामी रामानंद जी, क्योंकि आश्रम छोटे हुआ करते थे 500-400 वर्ग गज में, और वहां साथ ही गेट के अंदर ही कोने में उनका आसन लगा हुआ था। गेट से पार होते ही साइड में, और वहां बैठे व्यक्ति की आवाज बाहर ज्यों की त्यों सुनाई देती थी। सेवादार ने फरियाद की, अर्ज की कि हे ऋषि जी, हे महाराज जी, आपसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, और उन्होंने कबीर जी से विशेष काम है, इसलिए जब तक वो आए आपके यहाँ आश्रम में प्रवेश चाहते हैं। अब रामानंद जी ने वहीं से कड़क आवाज में कहा कि इन काफिरों के लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है, मुसलमानों के लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है, कहो उसके वो बाहर खड़ा रहे और बाहर ही कबीर से मिल ले।
अब सिकंदर लोदी ने सुन लिया अपने कानों भी, तभी वो सेवादार भी आ गया। सेवादार ने बताया कि मैंने अर्ज की थी लेकिन स्वामी जी ने मना कर दिया। कारण क्या है? कि कारण ये है कि वो मुसलमानों के दर्शन नहीं करते और इस आश्रम में मुसलमानों के लिए प्रवेश निषेध है। अब पुण्य आत्माओं कहते हैं, तप से राज राज मधुमानम जन्मति सिरे सुकर समानम। तप से राजा बनता है और तमोगुण होता है वो, फिर राजा में फिर अभिमान बहुत होता है, वो इस तरह के शब्द सुन नहीं सकता। उसी समय उसमें वही क्रड़ाई छागी और अपने आप महसूस किया कि मैं दिल्ली का सम्राट, मेरे सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। और ये 2 कौड़ी का संत एक छोटे से आश्रम में बैठा है और आज इसने मेरी बेइज्जती की है। जब ये मेरी बेइज्जती कर सकता है तो और मुसलमानों के साथ ये कैसा सलूक करता होगा। आ गया फिर राग द्वेष, जो कहते हो उसी समय निकाली तलवार और चल पड़ा। फिर किसकी, वो तो एक पुण्यात्माओं के लिए होता आश्रम में, भाई हाथ जोड़ के कहें अंदर नहीं जाना, राजा आके बकवाद करे फिर उसका आगे के चाल है। अब चल गया अंदर, ऊपर आसन पर विराजमान थे रामानंद जी, जाते ही तलवार से उनकी गर्दन काट दी कि काफिर तू है या हम हैं। अब ये मन जो है बड़ा उस्ताद है, गलती करवा देता है एक बार तो, और गलती करके ये तो भाग जाता, फिर आत्मा रोती है। अब वो स्वामी जी की हत्या करके पछताण लग गया, कहने लगा वीर सिंह देख मेरे कितने उल्टे कर्म हैं, आया था दुख निवारण कराने के लिए, संत को मार के यो पाप और बढ़ा लिया मैंने संत की हत्या करके, और अब कबीर जी मेरी एक नहीं सुनेंगे क्योंकि उनके गुरु जी की हत्या होगी। अब वीर सिंह चल वापस चलते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, अब आजीवन कष्ट उठाना ही पड़ेगा। इतने कहते हुए आश्रम से बाहर निकल ही रहे थे, निकले थे, सामने से परमेश्वर कबीर जी आ रहे थे। अब जो ही वीरदेव सिंह बघेल की नजर पड़ी कि प्रभु आगे गुरुजी आ गए हैं, उन्होंने वहीं रेत में लौट कर, रेते में ऐसे ही कच्चे स्थान पर, और गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया समेत मुकुट के। अब उधर से सिकंदर लोदी फंस गया कि ईब जय मैंने इनके पैर नहीं पकड़े, प्रणाम नहीं किया, तो ये अब तुझे माफ नहीं करे और श्राप दे देगा, तो बहुत सिद्ध पुरुष बताते हैं। और उधर से गलती कर रखी तो दंडवत प्रणाम सिकंदर लोधी ने भी किया और परमात्मा झुके और दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा और कहा, हे दो दो नरेश, दो दो बादशाह, आज इस दास के पास कैसे पहुंचे? ऐसे सिर पे हाथ रखकर ये शब्द बोले थे प्रभु ने। उसी समय सिकंदर लोधी की जो पीड़ा थी, जलन का रोग था, वो कति छू मंत्र हो गया, समाप्त हो गया। अब सिकंदर लोधी चरणों को पकड़कर बुरी तरह रोने लगे और कहने लगे, अक्षमा करो परवरदिगार, माफ करो मालिक, मैं बहुत पापी प्राणी हूं। क्योंकि परमात्मा संत के सामने ये मन चला जाता है, दूर भाग जाता है। आत्मा भगवान की अंश है, इसमें दया होती है, अभिमान नहीं है इसके अंदर। अभिमान तो इसमें मन ने पैदा कर रखा है और मन को मारने के लिए परमात्मा ने विधि बताई है। जब ये मन समाप्त हो जाएगा, आत्मा विनम्र हो जाती है। तो अब पुण्यात्मा, यदि सिकंदर लोधी ने ये गलती ना कर रखी होती स्वामी रामानंद जी को की हत्या की,
तो वो दंडवत प्रणाम नहीं करता, क्योंकि राजा में अभिमान बहुत होता है। अब कबीर जी ने एक तीर ते दो शिकार करे, एक तो उसको नरम बनाना था ताकि परमात्मा उसको अपना आशीर्वाद दे के उसको स्वस्थ कर सकते, और उधर से उसके मन की फड़क निकालनी थी, जब तक आप जी को ये विश्वास नहीं होगा कि ये संत पूरा है और आपके तो आपकी भक्ति चलेगी नहीं, आपके मन में दोष व्याप्त रहेंगे, आपके मन में कोई ना कोई उछल कूद बनी रहेगी जो परमात्मा के लाभ से वंचित रखती है। जब आप जी को ये सिद्ध करने के लिए कि जो संत है ये सही है, सही मार्गदर्शन कर रहा है, तो दास आपको बहुत ढेर सारे प्रमाण देता है, और परमात्मा कबीर जी की कृपा से आपको सुख भी मिलता है, आपके कष्ट भी निवारण हो रहे हैं, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि इस स्थान के अतिरिक्त तो कहीं पर भी इस पृथ्वी पर सुख स्थान नहीं है, तो तभी आपकी भक्ति और गहरा आवेगी और ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी ने सिकंदर लोधी के हृदय में ये जचाना था कि ये परमात्मा खड़े हैं सामने, इसलिए रामानंद जी का उन सिर काट तो दिया, अब उनके सामने उसके साथ क्या लीला करके उनको और दृढ़ किया। परमात्मा ने पूछा आप कैसे आना हुआ, क्या काम था मेरे से। सिकंदर लोधी ने कहा जिस कार्य के लिए ये आया था दास आपके पास, वो कार्य तो मालिक आपने हाथ रखते ही कर दिया मेरा, लेकिन मैं नीच प्राणी हूं, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी, शायद आप अक्षमा नहीं करोगे। ये कहकर फिर बुरी तरह रोने लगा, चरण छोड़े नहीं। परमात्मा ने कहा भी अक्षमा कर दिया, बोल क्या बात है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि बोल क्या बात है, मैंने माफ कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा जुल्म कर दिया है, आप मुझे फिर श्राप दे दोगे, मैं फिर दुखी हो जाऊंगा। परमात्मा बोले भाई आम के पेड़ के कांटे नहीं हुआ करते, आम का पेड़ तो सुख है सुख दिया करे, बढ़िया मीठे फल फिर छाया है, और दूसरी वहां पर बात नहीं, हमारे पास श्राप नहीं है, बोल क्या बात है। कहा प्रभु मैंने ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई, हमने गेट पर से सेवादार से प्रार्थना की कि जब तक आप आओगे तब तक हम आश्रम में विश्राम चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं, लेकिन रामानंद जी ने बहुत अपशब्द कहे और जिस कारण से मैंने गुस्से में आकर के उनकी हत्या कर दी। परमात्मा बोले कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम ऐसे मत जाना, उनका अंतिम संस्कार करें तब तक आप यही रहना, नहीं तो दुनिया आपको बहुत थूकेगी, बहुत आपके भले बुरे कहेंगी, और कुछ और भी घटना घट सकती है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी बढ़ सकता है, आप आ जाओ मेरे साथ। परमेश्वर आगे आगे चल पड़े, ये दोनों राजा पीछे पीछे चल रहे हैं। सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह जैसे सुने थे वैसे ही तो मिले। अब वीर सिंह मनमन में कह रहा कि ये तो आपने एक ट्रेलर देखा है, आगे देखना क्या हो, क्या क्या होते हैं। अब अंदर गए तीनों के तीनों, वहां देखा तो कबीर जी अंदर प्रवेश किया आश्रम में, एक भक्त भागा आया, दौड़ा आया और कहा कबीर जी सिकंदर लोधी ने दिल्ली के बाद से मुसलमान ने अपने गुरु जी की हत्या कर दी, इनका मर्डर कर दिया। पीछे से सिकंदर लोधी फिर वापस आता दिखा तो वो डर गया, चुप हो गया, आगे नहीं बोला, अकी फिर आ गया। कबीर परमेश्वर ने कहा कि बच्चा भाई गुरुजी मरते थोड़े ही हैं, ये कैसी कच्ची बात बोल दिया आपने, संत कभी मरते हैं? हाँ मर गए, कत्ल कर रखा है, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, उनकी इतनी बुद्धि काम करे थी। परमात्मा ने जाकर के देखा के अलग अलग टुकड़े पड़े हैं, धड़ अलग से शीश अलग से, दोनों पर अलग अलग कपड़े डाल रखे हैं। तब परमेश्वर ने अपने गुरुदेव की मर्यादा की तरह निभाते हुए उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर खड़े होकर चरणों को हाथ लगाकर कहा गुरुजी उठो, आरती का समय हो गया है, बहुत से व्यक्ति आए हैं आपके साथ बैठकर आरती करना चाहते हैं,
ऐसा ही परमात्मा ने कहा था, तभी वो शीश उठा, सिर वो गर्दन उठी कटी हुई शीश समेत और धड़ के ऊपर आके चिपक गई। निशान भी नहीं था उस गर्दन के। तो उसी समय खड़े हुए रामानंद जी उठे और ये दोष जो का तो होता ही है प्राणी में, क्या देखा सामने, सिकंदर लोदी को देखकर फिर तोड़ी पड़ गई, भौं चढ़ गई उसकी, वैसे क्रोधित होने लगा। तब परमेश्वर ने कहा कि प्रभु आपके दर्शनार्थ ये बादशाह आए हैं। तो फिर रामानंद जी ने कहा कि कबीर जी एक बात बताइएगा, मेरे जो शरीर का कत्ल हुआ इसमें से दो धाराएं बह के निकली, एक आधे से खून दूसरे हिस्से से दूध, क्योंकि वो सामने दूध और रक्त जमीन पर बिखरा हुआ था। तब कबीर जी ने कहा कि प्रभु आप जी ने इस दास को शरण में लिया, आपने छुआछात तो खत्म कर दी, आप अन्य जाति वालों को केवल हिंदुओं को ही अभी तक एक्सेप्ट कर रहे हो, दूसरी जाति वाले हिंदुओं को तो आपने स्वीकार कर लिया, आपके मन में द्वेष नहीं रहा, अभी तक आप मुसलमानों को हे समझते हो, घटिया समझते हो, बुरा मानते हो, जिस कारण से आप पूर्ण स्वच्छ नहीं हुए हो, आपकी भक्ति में आधी कमजोरी शेष है, हिंदू मुसलमान दो नहीं है, परमात्मा के सब बंदे हैं, परमात्मा ने सबको उसी की संतान है, या हमने डिवाइड कर लिया और बुरे हैं वो मुसलमान भी हैं, अच्छे हैं मुसलमान भी हैं, बुरे हिंदू भी हैं और अच्छे हिंदू भी बहुत हैं, हमने एक जाति मजहब के आधार से किसी को भला बुरा नहीं मानना चाहिए, ऊंच नीच इस विध है लोई, कर्म कुकर्म कहावें दोई, अच्छे और बुरे इस आधार से मानना चाहिए, शुभ कर्म करते हैं वो अच्छे व्यक्ति हैं, दुष्कर्म करते हैं वो नीच व्यक्ति हैं, वो चाहे किसी भी धर्म या मजहब या जाति के हो। परमात्मा ने आध पौन घंटा तक इसी एकीकरण के ऊपर ज्ञान सुनाया, रामानंद की आंखों में आंसू भर आए और खड़े हो गए, सौ सवा सौ वर्ष के व्यक्ति हो रहे थे, वृद्ध हो रहे थे, खड़े हो करके, और सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह मुसलमान की ऐसे कौली भर ली, अपने बाजुओं में सीने से लगा लिया और कहा बेटा मैं नीच आत्मा हूँ, आज मेरी आँख खुल गई, मैं इतना गंदा रह गया था, इतना नीचता थी मेरे में, मुसलमानों से नफरत किया करता था, आज के बाद मेरे हृदय में कोई किसी प्रकार की भी कोई घृणा आप जी के धर्म के प्रति व्यक्तियों के प्रति नहीं है और ना रहेगी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।